जय जीवदानी। YouTube/BeautyWithAstrology से ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर आई हूं। बड़ा जबरदस्त के सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये चर्चा इतनी ज्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट क्यों हो गई, क्योंकि कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और सूर्य और शनि जो हैं आपस में पिता पुत्र होते हुए भी बहुत बड़े शत्रु हैं आपस में, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रकाश है, शनि जो है वो अंधकार है। सूर्य जो है वो उदित होना सिखाता है, शनि जो है दंड देना सिखाता है। न्यायप्रिय शासक प्रिय ग्रह है, वैसे तो सूर्य भी शासक प्रिय ग्रह है, और दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती, ये आपने मिसाल सुनी होगी। कुछ इसी प्रकार का ये अंधकार और उजाले का झगड़ा बड़ा तेज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना कुंभ राशि में कि ये झगड़ा होते होते टल जाएगा और टलते टलते सभी राशि वालों को तकलीफ देने से पीछे हट जाएगा। क्या होने जा रहा है ऐसा, तो ये समझते हैं हम इसी वीडियो में। और सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/BeautyWithAstrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जब भी राशिफल बताती हूं लग्न और राशि दोनों का समन्वय साध के बताती हूं, इसलिए आप चिंता न करें। अगर आपको लग्न मालूम है तो लग्न के हिसाब से देखें, नहीं मालूम तब भी आप राशि के हिसाब से देख सकते हैं या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को या मुझे कांटेक्ट करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। और कंसल्टेंसी के लिए जो शुल्क सहित है मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं कि सूर्य महाराज जो हैं, सूर्य जो पॉजिटिविटी के साइन, सूर्य अपने आप में प्रकाश के साइन, सूर्य उन्नति के साइन, उदित हो जाने के, जिंदगी में भाग्योदय होना जैसे सूर्य का उदित होना, और साथ में सूर्य अपने आप में सभी शासकीय व्यवहारों से निगड़ित होते हैं, और साथ में समझ लीजिए कि सूर्य आपकी बॉडी में जो है आपकी आत्मा है। सूर्य हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन इन सब का भी द्योतक हैं और आपके पिता हैं। साथ साथ आपके सूर्य जो हैं वो आपके दांत आपके आंखों पर भी अपना प्रभुत्व पूरा रखते हैं। साथ साथ आपके अंदर का उत्साह उमंग पराक्रम वगैरह जिजीविषा काम करने का जो जज्बा होता है तो वो सूर्य आपके शरीर में लाता है। ऐसे में वो जज्बा खत्म हो जाता अगर शनि के साथ बैठ जाते सूर्य और सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में एक अंधकार उजियारे को दबाने की पूरी कोशिश करता। तो यहाँ पर सूर्य आपके आँखों के आपके दांत को भी प्रभावित करते हैं। सूर्य जो हैं वो शनि के साथ मिलकर अपना उजियारा खो बैठते, इससे पहले शनि उनके उजियारे से प्रभावित होकर अस्त होने जा रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती दौर है उसकी डेट्स हम जान लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शुरुआती दौर में क्या क्या हैपनिंग्स और किस किस नक्षत्र में से जा रहे हैं सूर्य और उसका क्या प्रभाव होगा ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मोटा मोटा बता दो सूर्य कुंभ में चले गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे कि कैसे प्रभावित हो रहा है और नहीं हो रहा है, इसमें जानकारी में क्या कमी है, तो मैं जानकारी आपको दे रही हूँ। उसके बाद मैं इससे लेके मीन राशि पर इसका असर बताऊंगी और उसके बाद आपको उपाय भी बताऊंगी कि सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में क्या उपाय करने चाहिए और कैसे रहना चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं ज़्यादा ज्योतिषीय उपायों को ऐसा समझती हूँ कि जितने ज्योतिषीय उपाय होते हैं आपको बहुत ज़्यादा मानसिक बल देने के लिए होते हैं ताकि आप उस तकलीफ को झेल सकें, इसलिए नहीं कि वो तकलीफ को बिल्कुल हटा देगा। जो आपके भोग और कर्म में लिखा हुआ है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप जितने भी उपाय कर लें। काटता कौन है, सिद्ध पुरुष काटता कौन है, भगवान, तो बस उन पर भरोसा रखें, उपाय करें आप, लेकिन उपाय से ऐसा कुछ नहीं होगा ज्योतिषीय उपायों से कि वो जो चीज़ है वो कट जाती है, कटती प्रैक्टिकली है। ओके, तो प्रैक्टिकल भी कैसे रहना है मैं आपको बताऊंगी। 13 फरवरी 2024 को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आप जानते हैं सूर्य एक महीना रहते हैं किसी भी राशि में और इसके बाद एक घटना घटित होते जाएगी जिससे सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश, इसका जो परिवेश है और इसकी जो परिभाषा है
वो बदलता जाएगा क्रमशः। कैसे? 19 को बुध कुंभ में आ जाएंगे तो यहां पर बुधादित्य योग बन जाएगा। अब 19 से पहले 13 से 19 का जो 6 दिन का पीरियड है, वहां पर सूर्य जो है वो शनि के साथ अकेले हैं, शनि अस्त नहीं है, शनि अपने जोर में है, और ये 6 दिन का पीरियड आपको संभालना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य जब उदित होते हैं, सूर्य जब किसी राशि में जाते हैं इनिशियल लेवल पे, तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए आपको 13 से लेके 19 तक का पीरियड जो है बहुत संभल के चलना चाहिए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना सूर्य शनि युति का ये 6 दिन के लिए। उसके बाद 16 तारीख को शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर खेल शुरू होगा। असली सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना आपने सोचा है कि यहाँ घमासान मचेगा। सूर्य अग्नि तत्व, शनि वायु तत्व, स्फोटक स्थितियां पैदा हो जाती अगर शनि अस्त ना होते या शनि दूर डिग्री पर बैठे होते। लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिन के लिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, तो कुछ भी होगा तो वो दब जाएगा। 16 तारीख को शनि अस्त हो जाएंगे। और जो दूसरी घटनाएं हैं कि बुधादित्य योग बन जाएगा 19 को, तो बुध जो है वो शनि के भी मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में बहुत सारी बातें व्यवहार ज्ञान से और बुद्धिमत्ता से, चातुर्य से, चतुराई से टाल सकते हैं लोग अपने अपने जीवन में। वहीं पर 7 तारीख को बुध, 7 मार्च को, मतलब इतने दिन क्या होगा, अस्त शनि के साथ सूर्य और बुध रहेंगे। आगे चल के बुधादित्य योग के साथ साथ 7 मार्च को बुध जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे और शुक्र जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र मकर में थे जिसका वीडियो आपको मिला है, तो शुक्र कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब 7 तारीख से लेकर और 7 दिन, मतलब 14 मार्च तक सूर्य यहाँ रहने वाले हैं। ये 7 दिन का पीरियड जो है ये शुक्र और सूर्य और शनि का साथ में बीतेगा। तो यहाँ पर शनि अस्त ही रहेंगे 16 तारीख के बाद। तो आपको मैंने बताया कि 19 से 7 मार्च 17 दिन के लिए बुधादित्य योग, सूर्य बुध शनि के साथ, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में साथ, और उसके बाद 6-7 दिन का ये सूर्य शनि का जो योग है शुरुआती, उसमें आपको संभालना है। और उसके बाद शुक्र के साथ जब सूर्य आएंगे तो उसका प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा। तो 13 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्रों में रहते हो, मतलब आपको नक्षत्र बताना भी जरूरी, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है बिना नक्षत्र के अपना असर कुछ देता ही नहीं है। तो जो सूर्य है वो मंगल के नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि शनि की राशि है, कुंभ राशि राहु की राशि है, कुंभ राशि जो है इसमें धनिष्ठा नक्षत्र आता है, मंगल का नक्षत्र आता है। और यहाँ पर जब सूर्य को बल मिलेगा धनिष्ठा नक्षत्र से 13 से लेके 20 तक, तो सूर्य बहुत ही आक्रामक स्वरूप से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए शनि अस्त होंगे। और ये बात ध्यान में रखना शुरू होगा कि जो शुरुआती दौर होगा 3-4 दिन का, 13, 14, 15, 16 आधा समझ लीजिए, तो 13, 14, 15 को आपको सावधान रहना पड़ेगा। वहीं पर 20 तारीख को शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे सूर्य। तो 20 क्या कहते हैं, 20 फरवरी को सूर्य राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे और यहाँ पर सूर्य का बल कम हो जाएगा। एक तरफ शनि का बल कम था, अब सूर्य का भी बल कम हो जाएगा। तो अगर कोई घमासान हो रही है तो उस घमासान में बिल्कुल भी कमी आ जाएगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ग्रहाज है उनमें इतनी जान नहीं रहेगी। इसके बाद 4 मार्च को गुरु के नक्षत्र में प्रविष्ट कर जाएंगे सूर्य और उनका बल पूर्ववत हो जाएगा। तो 4 मार्च से लेके 14 मार्च तक सूर्य अपने पूर्ण फोर्स में रहेंगे, और ये फोर्स में रहते हुए शनि अस्त हैं तो फिर सूर्य अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब सूर्य का शुक्र के साथ होना भी मैंने कहा कि तय है, आपको बताया मैंने कि शुक्र जो है वो मीन राशि में जाने से पहले कुंभ में आएंगे 7 दिन के लिए। तो वो उस समय पे शुक्र के इलाज में आपको दूंगी। तो शुक्र को बहुत गंदा प्रभाव देते हैं सूर्य, और सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन में इंसान बेचैन हो जाता है। तो ऐसे शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ। मुझे लगता है मैंने डेट वाइज सब अच्छे से समझा दिया आपको, और डेटें आपने नोट कर ली होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डिसीजन लेने हैं, निर्णय लेने हैं, तो उसके लिए आप डेटें नोट कर लें या दोबारा चला के वीडियो देख लें। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हो रहा है ये बताते हैं। बेसिकली सूर्य क्या करते हैं, सूर्य उजियारा है, तो जैसे एक मैंने पीछे भी समझाया था, अंधे जगह पर, अंधे कुएं में, अंधकार भरी जगह पर अगर कोई लाइट जला दो तो
तो वहाँ कैसे सब साफ साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सूर्य किसी राशि में जाते हैं तो उस राशि को, राशि का स्वभाव उस भाव के अनुसार उजागर कर देते हैं। उसका जो स्वामी है मतलब शनि, उसका बल उसको मिल रहा है कि नहीं, चंद्रमा का बल मिल रहा है कि नहीं, और वहाँ की क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, सूर्य सब बता देते हैं और खेल को खोल देते हैं। तो सूर्य किसी का खेल चलने नहीं देते, ग्रहों के राजा हैं। चलिए मैं इन सब में आपको उपाय भी बताती जाऊंगी कि क्या करना है, और लास्ट में ऐसा कॉमन उपाय बताऊंगी जो सबके काम आए। सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश, तो सूर्य के गायत्री के जप और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, या सूर्य के 12 नाम, या सूर्य का वैदिक मंत्र, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। कामनी खन्ना म्यूजिक द्वारा उसको कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। और शनि के लिए महादेव के सभी मंत्र जाप और महादेव के क्या कहते हैं उपाय, साथ में शनि के उपाय, सूर्य के उपाय, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मेष राशि, मेष राशि के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी, आपके विचार, आपके दिमाग, आपके बच्चे, आपका व्यवसाय, आपके मित्र, आपका, आपकी सोच, आपकी अध्ययन विद्या पढ़ाई, इनके मालिक लाभ में जा रहे हैं। बहुत तेरी कोशिश है कि ज्ञान अर्जित कर लिया जाए, बहुत तेरी कोशिश है मित्र अच्छा सहयोग करें, लेकिन आंशिक रूप से नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ज़्यादा नुकसान यहाँ नहीं होने वाला, जैसे भी है आप स्थिति को कंट्रोल में रखेंगे। आप जानते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई बढ़ाने के लिए तकलीफ हो रही है, आप जानते हैं वीजा लगने में तकलीफ हो रही है, आप जानते हैं मित्रों का सहयोग कम है, आपका दिमाग इतना नहीं चल रहा, तो आप सूर्य के आगे बैठ के गायत्री के जाप करें, आप आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ पढ़ें, या ओम बोलें सूर्य के आगे, या आप महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं सूर्य की रोशनी में। लाभ सरकारी दफ्तरों से या कहीं भी केसेस विवादों से, पैतृक संपत्ति से बहुत कष्ट के साथ आएगा, इसलिए उस चक्कर में ना पड़े तो आप अच्छा हैं। और जो आपको भाग दौड़ से थोड़ा बचे तो अच्छा है, थोड़ा से ये टल जाने दीजिए। हालांकि बुध आदित्य योग बना है तो आप एकदम तैयार रहेंगे कि मैं कुछ भी करके अपनी चीजों को सॉर्टेड करूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, आप थोड़ा बच के रहें तो ज्यादा अच्छा है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, अब आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में आए, सन्मुख देखते हैं, कोई भी पेशेंट है, माँ पेशेंट है, या आप पेशेंट हैं हार्ट से रिलेटेड, तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य जो है प्रभावित करेंगे अपना बल, और अपने ही बल पे वो आगे बढ़े हैं। हाँ, दशम में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति देता है, तो दशम में सूर्य नेता अभिनेतागिरी में भी डालता है, दशम में सूर्य आपके बड़े बड़े गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी काम कराता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वाद विवाद झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पर आप सोच लीजिए, पिता की तबीयत का ध्यान रखना, उनके साथ वाद विवाद या कोई किसी अन्य प्रकार की आपको चाहिए फायदा गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से, तो बहुत खिच खिच के बाद आपको मिलेगा। नौकरी के लिए आवेदन भरा है तो पुश कीजिए, हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए, क्योंकि सूर्य प्रभावी रहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल भी सूर्य को ऐसा नहीं मान सकते यहाँ पर कि उनका प्रभाव कम है, क्योंकि स्थान बली भी हैं सूर्य यहाँ पर। मिथुन राशि, आपके लिए आपके पराक्रम उत्साह के स्वामी बनते हैं, छोटे भाई बहनों के स्वामी बनते हैं। शनि कौन है बड़े भाई बहन आपके लिए, सूर्य कौन है छोटे भाई बहन, जाकर आपस में भिड़ गए, अब आपको दोनों से स्पेस बना के चलनी है, आप थोड़ा दूर रहिए तो अच्छा है। ये प्रैक्टिकल रेमेडी बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा फोन कम लीजिए और हाँ हूँ करिए, नहीं तो आप पड़ जाएंगे किसी पचड़े में झगड़े में, तो आपको तकलीफ होगी। साथ में ये भी समझिए कि आपकी यात्राओं में आपको संभल के जाना है, अपना खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेके जानी है, किसी भी प्रकार की कोई दर्दें माइग्रेन या सिर दर्द वगैरह कुछ भी ऐसे होता है, हड्डी स्कल दांत आके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम, तो अपना चेकअप कराइए। और साथ में जो ऑफर्स आपको मिल रही है ना, भाग्य भाव में सूर्य का मतलब क्या होता है, गुरु के घर में सूर्य काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो अच्छा फल तो देंगे वो आने वाले दिनों में भी, वो मीन के घर में रहेंगे, मेष में जाएंगे, तो अब वो धीमे धीमे बताएंगे आपको, रोशनी देंगे कि काम कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो आपको समझ में आएगा और उन कामों के पीछे आप लगोगे पूर्ण उत्साह के साथ, लेकिन ये उत्साह पूरा नहीं रह पाएगा। कर्क राशि, आपके लिए आपके सूर्य महाराज द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम में आ जाएंगे। अब अष्टम की कहानी आपको पता है, रहस्यमय घर है, बीमारियों का घर है, थोड़ा सा पार्टनरशिप में झगड़ेबाजी वगैरह, लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए
आपको परिवार के साथ न बिगड़ने के लिए थोड़ा चुप रहना चाहिए। द्वितीय भाव किसका होता है? द्वितीय भाव बोलने चालने का, फेस का, मुंह का, और क्या कहते हैं, धन का, संचित धन का। तो ऐसा कुछ काम कारोबार मत कीजिए जिसमें अंदर से पैसा निकाल के डाल रहे हैं और बाद में पता चला आपका पैसा डूब गया। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होगी। हमेशा ये देख के चलना चाहिए कि आने वाले दिनों में सूर्य की स्थिति कैसी है। अच्छी है तो बिगड़ेगा नहीं, ऑफकोर्स अगर आने वाले दिन अच्छे हैं तो पहले क्यों बिगड़ेगा। लेकिन तबीयत संभालिए अपनी हर प्रकार से, सनलाइट में बैठिए, गायत्री और क्या कहते हैं आदित्य स्तोत्र के पाठ सनलाइट में बैठ के करिए, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। परिवार में किसी की तबीयत खराब है तो उनका साथ दीजिए। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं, आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे सप्तम में जाकर। सप्तम में सूर्य जो है नीच के हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। विवाहित जीवन में आपके झगड़ेबाजी, कलह क्लेश हो सकती है और इस बात को बिल्कुल भी गौण नहीं समझ सकते हम, इसलिए आप समझिए कि आपको बहुत पेशेंस से करना वही है जो आपके मन में है, लेकिन अभी नहीं, एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको, वेट एंड वॉच का गेम खेलना है। और साथ में आपके ये भी देखना है कि अगर एक महीने बाद सब ठीक हो गया तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने गलती कर दी। फिर उसके बाद आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ नहीं उलझना है, कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करना है। और एक बात, अपनी तबीयत को भरपूर संभालिए, हालांकि बची रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य की दृष्टि है लग्न पर और ये दृष्टि आपको फुल टू सपोर्ट करेगी और बीच में आपको नक्षत्र भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप जरा बच बचा के रहें। कन्या राशि, आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और षष्ठ भाव में बैठे। षष्ठ भाव में सूर्य का प्रताप अलग होता है। लोन्स और गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कोई लोन्स हैं आपके, मेडिक्लेम्स हैं, आराम से हो जाएगा। और आपका कोई कामकाज ऐसा है जो मामा पक्ष के साथ मिलकर करना, थोड़ा अवॉइड कीजिए। और थोड़ा आप मित्रों के साथ या सहयोगियों से भी बच के रहिए, क्योंकि अंदर अंदर दुश्मनी ना करे कोई, आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। और साथ में आप ये भी समझें कि आपको किसी से लोन नहीं लेना है, और किसी से लोन लिया है तो उसका लोन लौटाने की पूरी कोशिश करिए। आप ये भी याद रखें कि बीमार नहीं होना है आपको, और क्योंकि यहाँ द्वादश और षष्ठेश दोनों इन्वॉल्व है तो बीमार नहीं होना है आपको। तो बीमार न होने के लिए भी, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी भी मंगल हैं और अष्टम जागृत हो जाएगा, तो आपको भरपूर अपना विटामिन D3 कैल्शियम वगैरह खाते रहना है और तबीयत को संभालना है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, अब सब राशि के लिए सूर्य अच्छा है ऐसा तो नहीं है। किसी के लिए शनि कारक है, किसी के लिए सूर्य कारक है। उनमें से एक राशि है तुला राशि जिनके लिए शनि कारक है। शनि अस्त हो जाएंगे तो इनका माइंड का स्वामी है शनि, चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो इफेक्टेड किससे होंगे? सूर्य से। तो थोड़ा परेशान हो सकते हैं मानसिक रूप से और बेचैन भी हो सकते हैं। हालांकि धन की व्यवस्था हो रही है, इनको पैसा चाहिए तो, लेकिन हर चीज धन से नहीं जुड़ी होती है ना, मानसिक चैन भी कोई चीज होती है। उसके लिए आपको क्या करना है? ओ मैंग रिंग क्लिंग चामुंडा विच्छे के जाप, दुर्गा माँ की शरण में जाना, सनलाइट में बैठ के ये जाप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, मानसिक बेचैनी अगर थोड़ी बहुत होती है तो उससे बचने के लिए, वो भी किस कारण,
केसेस, विवाद, बड़े भाई बहन, पिता समान लोग, पैतृक संपत्ति या पैसा, आने वाला पैसा रुक जाए तो आप बेचैन मत होइएगा, थोड़े दिनों की बात है। जैसे ही सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र से निकल जाएंगे और शतभिषा में चले जाएंगे, वैसे ही आपका काम होना शुरू हो जाएगा, इसलिए बेचैन होने की जरूरत नहीं। वृश्चिक राशि, आपके लिए कारक हैं सूर्य और दशम भाव के स्वामी हैं, तो चतुर्थ में बैठे, तो जो हार्ट पेशेंट्स हमेशा बोलती हूँ, हड्डियों के पेशेंट्स हैं और माता पक्ष भी उनकी, वो संभल कर रहे हैं, आपके पिता समान लोगों के जो तबीयत वगैरह है उसको संभालें, और साथ साथ आप घर में जो है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड अभी लेन देन ना करें। आपके लिए एक ही बात है कि काम पे फोकस करें, जो काम मिल रहा है उसको करें, चाहे वो थोड़ा पैसा देता है चाहे बड़ा पैसा देता है। और अगर आपको काम बढ़ाना है तो आप सूर्य के सारे उपाय कर सकते हैं, करेंगे तो आप ही प्रैक्टिकली, ये उपाय मैं बता दूंगी आपको इस वीडियो के अंत में, उपाय जरूर सुन लीजिएगा। और सूर्य चतुर्थ में, चतुर्थ घर होता है चंद्रमा का, यहाँ पर आके थोड़ा सा वल्नरेबल सिचुएशन में तो आते हैं, लेकिन चंद्रमा के घर में उनको नुकसान नहीं होता, शनि अस्त हो रहे हैं तो सूर्य जो है फिर भी उसको बल रहेगा। आप याद रखें कि आपको किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी लगती है तो ऐसे में आपको गायत्री के जप हमेशा सूट करेंगे, चाहे पंडित द्वारा कराएं चाहे आप कहें। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके भाग्येश बनते हैं सूर्य और जाके तृतीय भाव में बैठते हैं, तो भाग्येश का तृतीय भाव में पराक्रम में आना मतलब काम काज बढ़ाने के लिए, अब आपकी जद्दोजहद शुरू हुई, भागम भाग उसमें थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सूर्य शनि युति में कोई यात्रा न करें, अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो आप जाइए फिर प्रभु का नाम लेकर, शिव जी का नाम लेकर सूर्य को जल चढ़ाते रहिए वहाँ भी। और साथ साथ में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है अपने छोटे भाई बहनों से, कोई प्रॉब्लम यात्रा में लगती है तो अपना सब इंतज़ाम करके जाएं, मेडिक्लेम्स वगैरह कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना दवाई के लिए, और खाना पीना सब अपना परफेक्ट रखिए, पेपरबाजी भी, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम ऑफर हुआ और उसके पेपर ना हुए और फिर पेपरों से परेशान हो गए, फिर कोई केसेस भी बात बढ़े, इन बातों का अशर क्या होता है आप जानते हैं, तो उसमें पढ़ना ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो अगर पढ़ना भी है तो बहुत सावधानी से। मकर राशि, आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव में बैठते हैं, दोनों भाव जो होते हैं वो तबीयत के से भी रिलेट करते हैं इंसान की। मकर राशि के परम शत्रु हैं सूर्य और वो उनके लग्नेश को अस्त कर रहे हैं, हालांकि अष्टम के स्वामी वो खुद हैं इसलिए तबीयत को ख़राब नहीं करेगी, लेकिन बहुत मानसिक बेचैनी पैसों को, संचित धन को लेकर रह सकती है। आप अपनी तबीयत को भी विशेष रूप से संभालें और यहाँ पर संचित धन निकालने की कोशिश ना करें, परिवार के साथ मन मुटाव ना करें। एक बेटर बात फिर भी है इसमें कि आप अपना व्यवसाय अभी बढ़ाने की नींव डाल सकते हैं और आगे ये व्यवसाय आपका बहुत बढ़ सकता है, इसलिए इनिशियल लेवल पे जो काम करना है वो करिए। बोलने चालने के बिजनेस में अगर नुकसान होने की संभावनाएं हैं तो थोड़ा सा पीछे हटिए, आप बोलिए संभल के, आपकी वजह से कोई आपको बोलने से कोई नुकसान ना हो जाए। कई काम तो बिना करके नुकसान होता है, कई बोलने से नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पर चुप रहें आप। कोई आप नेता हैं, अभिनेता हैं, भाषण वगैरह देते हैं, काउंसिलिंग कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा संभल के। कुंभ राशि, आपके परम शत्रु सूर्य, आपके पिता सूर्य लग्न में आ रहे हैं और आपका बल खत्म होगा 16 तारीख से, उससे पहले आप बलि रहेंगे, लेकिन ये तो प्रूव्ड है कि यहाँ पर वो प्रभावित करेंगे आपको विवाहित जीवन से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड कोई कलह क्लेश, या शादी जिनकी यहाँ होनी है तो बहुत संभल के शादी के वर वधु के चयन कीजिएगा, बहुत संभल के आपको रिश्ता करना है या व्यवसाय में पैसे डालने हैं, और साथ में अपनी हड्डी स्कल दांत आके स्पाइन वगैरह से रिलेटेड चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जिन लोगों की साढ़े साथी है उन लोगों के लिए स्थिति खराब नहीं है, क्योंकि चंद्र इन्वॉल्व है उसमें, और इसलिए जिन लोगों की साढ़े साथी है उनका बच बचाव रहेगा। जिनकी कुंभ राशि है उनकी बात करती हूँ, कुंभ लग्न की भी बात मैंने आपको बताई है। फिर आपके विवाहित हैं ऑलरेडी और पार्टी की तबीयत खराब है तो उनका भी ध्यान रखें, ऐसा ना करें विघटन की ओर दौड़ें, कोई भी बात के मुझे डाइवोर्स चाहिए ये चाहिए, थोड़ा सा रुक जाइए, स्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोमिनेशन लगेगा आपको,
डोमिनेशन थोड़ा सहज आइए, कभी किसी की कभी बाबे की कभी पोते की होता रहता है घर में, तो चुप रहना चाहिए। मीन राशि, आपके लिए अब षष्ठ भाव के स्वामी हैं द्वादश भाव में, दोनों जगह तबीयत इन्वॉल्व है, दोनों जगह किसी विवाद विरोधी इन्वॉल्व हैं, हालांकि विदेश रिलेटेड कामों को बहुत संभल के करना है, फिर भी आपके कुछ काम यहाँ होंगे। वीज़ा लगेगा बट बहुत परेशानी से, कोई फंस गया है वहाँ काम तो आप थोड़ा स्थगित कर दीजिए, अगर यात्रा करनी है वहाँ पर तो थोड़ा रुक जाइए, कोई केस में फंस गए हैं तो बहुत ध्यान से आप सूर्य के जितने मर्जी जप गायत्री करा सकते हैं, और अगर कोई प्रेम संबंध से प्रॉब्लम है तो उनके साथ भी बहुत संभल के पेश आइएगा, नहीं तो ये बात बिगड़ेगी, और ये बात ना बिगड़े ये आपके हाथ में, कम बात करो, स्पेस दो, अवेलेबल ना हो तो चीज़ें जो हैं अपने आप टल जाती हैं, खर्चे अंधाधुंध ना करें किसी ऐसे काम में जहाँ पर आपको बहुत उम्मीद है कि मैं ये काम में पैसे डाल दूंगा तो काम हो जाएगा, नहीं ये पीरियड नहीं है वैसा, इसलिए संभल कर रहें, विरोधियों से संभल कर रहें, और साथ साथ अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार वगैरह पेपर से रिलेटेड व्यवहारों को अप टू डेट रखें। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको विस्तार पूर्वक, अच्छे से मैंने बताया सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, ये एक ऐसी बांट रहेगी जिसमें ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई भी बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा जीत ना पाएगा, जीत किसकी हार किसकी ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो है समतोल कहीं ना कहीं पर बुध बनाएंगे, समतोल शुक्र बनाएंगे, और कहीं ना कहीं पर शनि का अस्त होना भी समतोल बनाएगा, तो जीत किसकी हार किसकी ऐसा मत सोचिए। तो सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन में जो उपाय होते हैं, सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के जप करना, और मैं हमेशा एक बात करती हूँ, देखिए दोनों ग्रहों से रिलेटेड आपको शक्ति मिलनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक सूर्य भी कारक हैं शनि भी कारक हैं समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं के शनि भाव के स्वामी होंगे तो वो भाव प्रभावित होगा, सूर्य का जिस भाव का स्वामी होगा वो प्रभावित होगा, ऐसे में सनलाइट में बैठना, सनराइज में सूर्य को जल चढ़ाना और वहाँ पर अपने लग्नेश के जाप करना या शिव जी के जाप जो हैं वो आपको बहुत काम आएंगे। ऐसी जगह पर सूर्य ने उजियारा डाल दिया कि देखिए कि ये बंदा जो है वो गलत है और ये जो हैपनिंग हो रही है इसमें आप मत पड़िए, तो आप ज़रा पीछे हट जाइए, स्पेस दीजिए, प्रैक्टिकल रहिए, चुप रहिए, और अपने बोलते हैं कबीरा चुप हो देखिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत ना लागे देर, तो पेशेंस इज द की वर्ड। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, मां देखिए चलो ही सही नींद ना सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम ले मैं